हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक टॉक विद मलिक। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ओप्पो रेनो 8 और वन प्लस नोट 2T के कैमरा और डिस्प्ले का कंपैरिजन कराया था। दोस्तों, वो वीडियो आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है और उन्हीं में से एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि वन प्लस नोट 2T और ओप्पो रेनो 8 का फुल डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं वही लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले का। यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों ही फोन्स में डिस्प्ले मिलते हैं 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल जो कि पंचोल डिज़ाइन पे आता है, और दोनों ही फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों, दोनों ही फ़ोन वैसे तो एंड्रॉयड 12 पर वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओप्पो रेनो 8 में मिलता है ओप्पो का जाना पहचाना कलर OS ऑपरेटिंग सिस्टम, और वन प्लस नोट 2T में आपको मिलेगा ऑक्सीजन OS 12। और ये शायद आखिरी बार ये कि नोट के किसी भी सीरीज़ के फ़ोन में आपको ऑक्सीजन देखने को मिले, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये कलर OS में चेंज होने वाला है। दोनों ही फ़ोन्स में लगा है MediaTek Dimensity का 1300 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर और 3 GHz की स्पीड पर वर्क करता है। ओप्पो रेनो 8 में आपको सिर्फ एक ही वेरियंट मिलेगा 8GB रैम और 128GB, लेकिन यहाँ पर आपको नोट 2T में दो वेरियंट मिलते हैं 8GB रैम 128GB और 12GB रैम 256GB। दोनों ही फोन्स में आपको मिलती है LPDDR4X रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज और ड्यूअल सिम, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में अलग से SD कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के कैमरा की। दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही फोन्स में लगा है 50MP का मेन कैमरा F1.8 अपर्चर के साथ, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ सपोर्ट मिलता है सोनी IMX766 का। दोस्तों, नोट 2T में आपको मिलता है OIS का सपोर्ट, यानी कि अगर आप कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं रेनो 8 के कंपेयर में। तो इस तरीके से यहाँ पर रियर कैमरे में थोड़ा सा पलड़ा भारी नोट 2T का होता है। साथ ही साथ आपको मिलता है दोनों ही फोन्स में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का माइक्रो लेंस, और यहाँ पर आप दोनों ही फोन्स में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी 30 FPS पर। दोस्तों, अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में मिलता है 32MP का सेल्फी कैमरा, लेकिन वन प्लस नोट 2T में आपको मिलेगा सोनी IMX615 का सपोर्ट, और यहाँ पर आपको रेनो 8 में मिलता है IMX709, यानी कि इस मामले में रेनो 8 थोड़ा सा बेटर है। दोनों ही फोन्स में आप 1080 रेजोल्यूशन पर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर दोनों ही फोन्स की बैटरी कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको मिलती है 4500mAh की बड़ी बैटरी, जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ, और ये दोनों ही फोन वायर्ड चार्जिंग के साथ में है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। दोनों ही फोन्स में से 3.5mm जैक गायब है, और यहाँ पर आपको रेनो 8 में मिलता है सिंगल स्पीकर, लेकिन नोट 2T में मिलता है आपको स्टीरियो स्पीकर। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें नोट 2T में आपको बेटर दिखाई देंगी। दोस्तों, अगर प्राइस कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको रेनो 8 में सिर्फ एक ही वेरियंट मिलेगा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, और उसका प्राइस है 29,999 रुपये, जिसमें आपको अभी फिलहाल 3,000 रुपये का कैशबैक ऑफर चल रहा है। नोट 2T के अगर वेरियंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे 8GB रैम और 128GB 28,999 रुपये, और 12GB रैम 256GB 32,999 रुपये, इसमें आपको 1500 रुपये का कैशबैक ऑफर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोगों को आगे भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।